देश के वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में सुचिता के जीवंत उदाहरण हैं, ऐसा कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आडवाणी जी को भारत रत्न घोषित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए आडवाणी जी के स्वस्थ और दीर्घायु की प्रार्थना की। हमारे प्रेरणा स्रोत लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब आडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया, ये हम सबके लिए अभिमान का और आनंद और समाधान का विषय है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका मार्गदर्शन हमको सतत मिलता रहे।